खुली। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग जैसे सुबह से देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में हर जगह आ रहा है एजाज खान के बारे में। आप सब जानते हैं कि भाई ने आज तक हर किसी को सपोर्ट किया है अच्छे काम के लिए, दवाई हो, घर का खर्चा हो, किसी का पर्सनल प्रॉब्लम हो, जो भी हो, हमेशा भाई ने सबके लिए अच्छा काम किया है। लेकिन कुछ लोग, कुछ दुश्मन उनके, उनको जो मिलके जो फंसा रहे हैं, उन्होंने आज कल रात में जब भाई बाहर थे तो कुछ लोगों ने उनके साथ गलत किया, उनको उनकी गाड़ी में ड्रग्स डाल के उनको फंसाने की कोशिश की है, जिस कारण पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। और आप सब ने देखा होगा, अभी हम सब कोर्ट थे, भाई के साथ थे, कोर्ट ने उनको दो दिन के लिए पीसी दिया है और पीसी में उनको अभी 25 तक बताएगा क्या है। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ जितना हो सके एजाज भाई के लिए खड़े रहो, कि एजाज भाई हम सबके लिए हमेशा खड़े थे। एजाज भाई ने हम सबको हमेशा सपोर्ट किया, एक बड़ा भाई बन के, बाप बन के, जो बोलो आप हमेशा सबके लिए खड़े। तो आज हमारा वक्त है, आज हमारा टाइम है कि आज हम उनके लिए काम मदद करें उनके लिए। तो प्लीज़ जितना हो सके ये सब ये वीडियो को शेयर करें, उनको सपोर्ट करो। और जो उनके दुश्मन है उनके लिए सबसे स्पेशल आपके लिए एक मैसेज है, आप जितना चाहे उनके लिए गलत करने की कोशिश कर लो, लेकिन हम सब बहनों की, हम सब भाइयों की, काफ़ी माओं की, काफ़ी बहनों की दुआ है उनके साथ, उनको कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है। सो प्लीज़ जितना हो सके इसे शेयर करो। वी ऑल क्योंकि आप जब आप सब लोग जैसे जानते हैं कि उनके काफ़ी दुश्मन लोग हैं जो उनके बारे में गलत सोचते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी कोई एक इंसान अच्छा काम करता है तो उस इंसान को देखा नहीं जाता है। उनके काफ़ी दुश्मन लोग हैं जो उनके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं और किए हैं। आज हमारे भाई अंदर है और अल्लाह की मेहरबानी है कि उनको दो दिन की पीसी हुई है, लेकिन हम सबको मिलकर दुआ करना है। जितनी माएँ हैं, जितनी बहन है, जितने भाई है, प्लीज़ उनके लिए सपोर्ट करो, उनके लिए वीडियो शेयर करो और सबके सब अपने FB पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे सब करो कि वी स्टैंड फॉर एजाज खान। प्लीज़ प्लीज़ ये वक्त हमारा है, मेरे भाई को सपोर्ट करो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वक्त सिर्फ मेरे भाई को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि वो हमेशा आप लोगों के साथ खड़े थे, आपके सुख में दुख में हमेशा आप लोगों के साथ है। आज हमारा टाइम आया कि हम उनके लिए खड़े हैं। प्लीज़ सपोर्ट एजाज खान। सब कुछ बोलो प्लीज़ भाई लोग, भाई हमें अपना कभी नहीं छोड़ा है, जब भी दिन हुआ रात हुआ भाई हमेशा हमारे लिए खड़े हुए। तो आप प्लीज़ भाई भाई के लिए करो, हाथ जोड़ के विनती सबसे कि भाई के साथ दो हमेशा, क्योंकि आपको ही पता है भाई ने कुछ क्राइम नहीं किया है। तो प्लीज़ भाई आप उनके लिए करो, उनको सिर्फ फंसाया जा रहा है। प्लीज़ प्लीज़ आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट है, भाई के लिए करो, भाई के लिए खड़े रहो। आई स्टैंड विद एजाज खान। सुल्तान बोलो। वो बेगुनाह है, उनको जन क्यों फंसाया जा रहा है। तो हमारी सबसे भाई लोग सॉरी, फ़ोन आ रहे बहुत फैन लोग के, प्लीज़ भाई लोग फ़ोन मत करो, पहले जो बोल रहे हो सुन लो पहले। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब स्टैंड लीजिए। आप देख रहे हैं कि उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि एजाज खान बहुत गरीबों की मदद करता है, और कहते हैं ना कि अच्छाई करने वालों के साथ सब मिल जाते हैं, मीन्स उन लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, जो बुराई करेगा सब उसका साथ देते हैं। तो इसके लिए एजाज भाई अच्छा करते थे, इस वजह से एजाज भाई को फंसाया गया। और इस वजह से आप लोग सब प्लीज़ ये लाइव को शेयर करिए, और इस लाइव को जितना होता है कि आगे से आगे बढ़ाइए। आप लोग स्टैंड लेंगे तो एजाज भाई अच्छी तरह से रहेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर निकल जाएंगे। और जितने भी उनके दुश्मन हैं, जिसने ये हरकत की है, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज था, आप लोग को जो करना था आपने कर लिया, लेकिन इसके बाद जो आपके साथ होगा उसके लिए आप रेडी रहना, क्योंकि मैं एजाज खान की भाई आप बहन आपको चैलेंज कर रही हूँ कि वेट एंड वॉच, जो आपके साथ होगा वो बहुत गलत होगा, क्योंकि उनके साथ तो बहुत लोगों की दुआ है, आपके साथ किसी की भी दुआ नहीं है। वेट एंड वॉच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। भाई लोग अल्लाह हाफिज़।